दोस्तों आज मैं आपको दुनिया में हुई सबसे अजीब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ना कि आपको चौंका देंगी बल्कि आपका दिमाग घूमने लग जाएगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बराबर वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। क्रोकोडाइल फ्रोजन। सोचो आप कभी ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ आपके चारों तरफ मगरमच्छ हो तो आपकी क्या हालत होगी। ऐसा ही साल 2018 की शुरुआत में नॉर्थ कैरोलिना में ऐसा एक नजारा देखा गया। ऐसा नजारा वहाँ के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि पानी में जम जाने की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी मगरमच्छ बर्फ में इस तरह से जम गए जिनमें सिर्फ उनका सिर बाहर निकला हुआ था। लेकिन आपको बता दूं वहाँ पर सारे मगरमच्छ जिंदा थे, क्योंकि मगरमच्छ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके बाहर निकले हुए सिर से हवा और गर्मी मिलती रहे, जिससे मगरमच्छ जमने के बाद भी मरने से बच जाते हैं। ऑरेंज स्नो। साल 2018 में यूरोप के पूर्वी इलाकों में अचानक एक ही दिन में बर्फ का रंग सफेद से ऑरेंज हो गया, जो खूबसूरत तो था पर डरा देने वाला नजारा था। लोगों का कहना है कि हमें तब ऐसा महसूस हो रहा था कि हम मंगल ग्रह पर आ गए हों। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि सारा के रेगिस्तान से मिट्टी का तूफान इन जगहों पर पहुंच गया था, जो बर्फ के साथ मिलकर उसे ऑरेंज बना दिया। लॉन्ग ट्रैक टॉर्नेडो। साल 2018 के मई में एक बड़ा बवंडर 33 मिनट में 57 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया, जो कि न्यूजीलैंड का अब तक का किसी बवंडर द्वारा सबसे लंबा तय किया गया रिकॉर्ड था। स्नो इन डिजर्ट। साल 2018 की सर्दियों में सहारा के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हुआ, जब लोग सुबह सोकर उठे तो उन्होंने रेगिस्तान की जगह बर्फ दिखाई देने लगी। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, आखिर इतनी गर्मी पड़ने वाली जगह पर यह चमत्कार कैसे हो गया। हॉर्स हॉल क्लाउड। मार्च 2018 में नॉर्थ नेवाड़ा के आसपास के इलाकों में काफी अजीब तरह के बादल दिखाई दिए, घोड़े की नाल के आकार के जैसे थे। इस बारे में वैज्ञानिकों की माने तो जब बादल गर्म हवा के ऊपर से गुजरते हैं तो ये अजीब आकार बन जाता है, इसे लोग चमत्कार मानने लगते। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।